नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैचअप। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पिछड़ रही इंग्लैंड टीम की रांची में बढ़िया शुरुआत हुई है। धोनी की नगरी में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम पहले बैटिंग कर रही है, जिन्होंने यहां पर बेसबॉल अंदाज में शुरुआत जरूर दी, लेकिन इंग्लिश टीम को रूट बॉल ने मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 302 रन बना डाले हैं, जिसमें जो रूट सेंचुरी लगाकर डटे हुए हैं। दोस्तों, इस सीरीज में इंग्लिश टीम 1-2 से पीछे चल रही है, जिसके बाद रांची में चौथे टेस्ट मैच में अहम टॉस जीता इंग्लिश टीम को एक बार फिर से ओपनर जैक क्रोली और बेन डकेट के धमाकेदार अंदाज में शुरुआत दी, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे आकाशदीप की चमक दिखी, जिन्होंने एक के बाद एक इंग्लिश टीम के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। 57 के स्कोर पर 3 विकेट गिरा दिए। इसके बाद जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने छोटी पार्टनरशिप जरूर की, लेकिन इंग्लैंड ने लंच तक 112 रन पर आधी हो चुकी थी। इसके बाद जो रूट को बेन फॉक्स का साथ मिला, दोनों ही बैट्समैन ने कमाल की पार्टनरशिप करते हुए 113 रन जोड़कर इंग्लैंड को फिर से मैच में कमबैक करवा दिया। बेन फॉक्स 50 नहीं लगा सके, लेकिन जो रूट ने शानदार सेंचुरी लगाकर अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 302 रन बना डाले हैं। जो रूट 106 रन बनाकर खड़े हुए हैं, तो उन्हें ओली रॉबिन्सन का साथ मिल रहा है, जिसके साथ 8वें विकेट के लिए 57 रन जोड़ दिए हैं। इंडिया के लिए डेब्यूटेंट आकाशदीप ने 3 विकेट झटके, तो वही सिराज के खाते में 2 सफलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग का टोटल कहां तक पहुंचेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप स्पोर्ट्स मैचअप।